काफी लीड्स मिली थी जिनके ऊपर हमने काम शुरू किया, कार्रवाई शुरू की, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने जीरो इन किया दो लड़कों के ऊपर। एक का नाम है लड़के का शाहबाज परवेज अलायस, उसको शाजी भी बोलते हैं, जो कि गुजर नगर एरिया का रहने वाला है। तो उससे जब हमने पूछताछ की तो उसने अपना जुल्म कबूल किया कि उसी ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे पास कॉरोबोरेशन के लिए बाकी कुछ और टेक्निकल इनपुट्स भी थी जिसके जरिए हम ये एस्टेब्लिश कर पाए कि वो इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद उसने अपने दूसरे साथी का नाम भी बताया और उस लड़के का जिसका नाम था बासित खान, सन ऑफ मोहम्मद सलीम आर ओ मंजाकोट, इस टाइम वो बठिंडी एरिया में रह रहा है, तो उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके बाद इनसे जब पूछताछ के दौरान जो उनकी टोटल अमाउंट चोरी हुई थी वो लगभग 9.5-10 लाख के करीब थी, तो जिसमें से 5,10,000 रुपये इमीडिएटली हमने रिकवर कर लिया है। अभी भी इसमें तफ्तीश जारी है और बाकी का जो अमाउंट है हम उम्मीद करेंगे कि रिकवर हो जाएगा। वो बाइक जिसके ऊपर इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था वो भी हमने रिकवर कर लिया है, और इसके अलावा हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ और ऐसी वारदातों में मुलविस हों, इन्वॉल्व हों, तो वो आगे आने वाले दिनों में तफ्तीश के दौरान ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हम लेके आए। इनका इनका वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है कि ये शायद एडिक्ट हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पहले भी हमारी जो भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई है उसमें हमने बोला है कि अगर हम जो भी हमारी सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है वो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन के साथ या ड्रग उसके साथ जरूर रिलेटेड है। ये अंदाज़ा आता है कि वो किस तरफ गया होगा। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे आएं, अपने अपने घरों में और अपने अपने दुकानों पे सीसीटीवी कैमरा लगाएं, वो पुलिस के लिए एक बहुत ही मददगार चीज़ रहती है। यस लेना, अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा ऐसे एलिमेंट्स के साथ फाइट करना। नहीं नहीं, वो सारे चालू नहीं है अभी, उसमें फ्रेश प्रपोजल वो फ्रेश प्रपोजल गया हुआ है। वो हमारे पास हमारी अपनी लीड्स थी, हमारे अपने सोर्सेज होते हैं, सो दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट कैन नॉट बी रिवील्ड। तो बाकी के लोगों का कुछ डिटेल बताइए जो आपने 8 लोग पकड़े हैं वो किस उसका माय टीम इज ऑन वे। उसके लिए हम अलग से एक आपको डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दैट थिंग इज स्टिल इन द पाइपलाइन, क्योंकि अभी रेड अभी चल रही है, राइट नाउ भी अभी स्टिल गोइंग ऑन। अभी तक उसमें रिकवरी ठीक ठाक हो गई है, कैश भी रिकवर हुआ है, गाड़ियां भी कुछ रिकवर हुई हैं, एक पंजाब का बंदा भी है जिसमें पकड़ा गया है, तो वो अभी दैट इज स्टिल इन द पाइपलाइन। आई होप विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स विल गेट मेजर। वो मैंने बता दिया मीडिया में। सर, सर, जी 370 हटने से कि कुछ कानूनों में वृद्धि होगी एनडीपीएस रिलेटेड, वो देखते हैं। मतलब एनडीपीएस में तो ऑलरेडी जो हमने प्रपोज किया हुआ है कुछ मोर स्ट्रिंजेंट जो इसको बनाने की ज़रूरत है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में जो लोगों की जागरूकता है जैसे बढ़ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9086100100, वो हमें काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, उस पे ऊपर हमें काफ़ी लोगों की मदद मिल रही है, और उसमें हमने एक अभी नया इनिशिएटिव भी लिया जो इन्फॉर्मेशन में हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, तो उसका हम कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू गेट हिज फोन रिचार्ज एज ए कम्प्लीमेंट्री थैंक्स फ्रॉम अदर साइड के जनाब आपकी वजह से ये हुआ है। इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है और उछल गया है, कार्रवाई चल रही है, एंड जो रिमूव मॉन्गरिंग में एक हम मतलब डाउट वेरीफाई जो कहीं पर फैक्ट से काफ़ी दूर होती है, तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। हमसे ये कॉपरेट करें, बड़ी बार जल्दबाजी होती है कि मैं पहले भी देखा और हमें उसको वेरीफाई करके चेक। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमसे एक बार कन्फर्मेशन जरूर ले लिया करें और चेंज दें। थैंक यू की ऑर्डर जो है सर 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 एवरी वन मुझे जे भी समय गोलियां लोगों को पता चले कि ये स्नैचर है, पता नहीं ये कहां के रिवाइज है, क्यों मुंह डरते हैं। अभी कल को जब घूमेंगे तो पता चलेगा ना कि यही स्नैचर है, आइडेंटिफाई होंगे। इन्होंने ओल्ड एज दे के इनको टारगेट बनाया, इन्होंने बड़ी बहादुरी से इनका पीछा किया, चेज किया, इन्होंने वीडियो में दिखाया गया है सब।
सर आप बोलो थोड़ा सा, मिल गया आपका कैश लिया था आपने, आप बताओ अपने नाम से बताना क्या। मैं राजेंद्र पाल गुप्ता, मैं हमारी दुकान है देर हाउस में अमर उजाला बिल्डिंग के नीचे, तो वहाँ से हम 9:30 बजे निकले घर के लिए, तो वहाँ से गेट के पास गाड़ी रुकी, ब्रदर मेरा ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, तो मैं जैसे ही निकला दरवाजे से, तो वो आकर जो है लड़के ने झटपा मार कर ले लिया उसको। मैं गाड़ी वाले दूसरा बाइक वाला था। कैश कितना था और कितना वो वापस? 10 लाख पूरा वापस मिल गया। 5-10 रिकवर हुआ फिर जब हुआ पुलिस समय हमारे 5 मिनट में पुलिस हमारे पास पहुंच गई और पुलिस ने पूरी रात हमारे साथ ही ढाई बजे तक।